हमें किसी का फोन मिला है जो हम रिटर्न करेंगे, अब हमें रैपिड ट्रेन में फोन मिला है, आई थिंक सो, ये ना ऑफ है, ये ऑन भी नहीं हो रहा है। एक्सक्यूज मी सर, ये ना फोन मिला है किसी का मेट्रो में, शायद खो गया है उनका, आप कहाँ हमें रिटर्न करना चाहिए ये बताइए आप। यहाँ से ठीक है, थैंक यू। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ रैपिड रेल की सैर कराने के लिए, जो कि अभी इनॉग्रेशन किया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और मैं आपको दिखा देती हूँ पीछे का व्यू। यार जो नया नया चीज बनती है ना, उसका व्यू तो खैर बहुत अच्छा होता है, इतना साफ सुथरा। बाकी इसको नमो भारत ट्रेन के नाम से भी जाना जा रहा है। तो RITS की ये ट्रेन है और इसका आज मैं आपको पूरा रूट दिखाने वाली हूँ। 17 किलोमीटर अभी ये स्टार्ट हुई है, तो मैं आपको बताने वाली हूँ टिकट्स कैसे मिलती हैं, व्यू कैसा है, कौन कौन से स्टेशन हैं। और हाँ, इसमें दो कोच हैं, प्रीमियम एंड नॉर्मल, दोनों तरीके से आप अपना सफर तय कर सकते हैं। तो पहले तो मैं दिखा देती हूँ मैं कौन से स्टेशन पे आई हूँ। मैं आई हूँ साहिबाबाद के स्टेशन पे। अब हम एंट्री करने वाले हैं स्टेशन में। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेशन एंट्रेंस यहाँ है। तो अगर आप अपनी गाड़ी से आओ या स्कूटी से आओ स्पेशली इस ट्रेन की सैर करने के लिए, तो यहाँ पे अपनी गाड़ी या स्कूटी या टू व्हीलर यहाँ पार्क कर सकते हो। तो ये है एंट्रेंस साहिबाबाद स्टेशन का, और बड़ा ही प्यारा सा बना रखा है, फ्लावर्स लगे हुए इतने प्यारे से। लिफ्ट से जाना हो तो आप उस तरफ से जा सकते हो, लेकिन हम यहाँ स्टेयर से ही जाएंगे। ये है एंट्री, इतना साफ सुथरा लग रहा है, प्यारा सा लग रहा है, मजेदार फ्लावर्स ही फ्लावर्स नजर आएंगे, बिकॉज अभी 1 week भी नहीं हुआ है इसे स्टार्ट हुए। देखो कितना प्यारा सा बना हुआ है। और यहाँ देखो, इस तरफ दिखाऊंगी तो मैं स्टेयर्स भी हैं और यहाँ एक्सीलेटर बना हुआ है ऊपर तक का। ये ऐसे साफ सुथरा रखना चाहिए हम लोग। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ दो तरीके से आप टिकट ले सकते हैं। एक तो ये वेंडिंग मशीन, टिकट वेंडिंग मशीन है, यहाँ पर आप अपना सेलेक्ट कीजिए सफ़र और आप यहाँ से टिकट निकाल लीजिए। और दूसरा, आप यहाँ पर कार्ड और टिकट्स की जैसे अवेलेबल है, आप मैनुअली भी ले सकते हैं यहाँ से टिकट। तो हमने यहाँ से करी है एंट्री, ठीक है। प्रीमियम कोच के लिए ना अलग होने वाला है, बाकी जो व्यू है ना बहुत अच्छा। और यहाँ पर मेंशन है प्रीमियम लॉन्च, हमने ली है प्रीमियम टिकट, डबल पे करा है यार, हमने तो कुछ तो होने वाला है एक्साइटेड और अलग नॉर्मल कोच से। बाकी यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर डिस्प्ले में ना बहुत कुछ दिखाया गया है, जैसे भारत की प्रथम रीजनल रेल दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, तो पूरा रूट आपको इसमें दिखाया हुआ है। वाओ यार, कितना प्यारा लग रहा है, इसमें एक एक चीज़ दिखाई है यार। ये प्रेजेंटेशन ना सच में बहुत अच्छी लगती है, जो इसका व्यू होता है ना बहुत बढ़िया है। मेरठ साउथ RRTS, मेरठ नॉर्थ MRTS, मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से दिखाया गया है। RRTS ने अपना सारा पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर एक तरीके से हमें बताया है। तो आगे चलते हैं, जब ये ट्रेन आगे तक की स्टार्ट हो जाएगी ना, तो ये सराय काले खां जाने वाली है। लेकिन फिलहाल इसका जो है 17 किलोमीटर का सफ़र है, बाकी मैं आपको उसने मैप में भी शो कर रखा है, सिस्टम मैप जिसे कहते हैं, वहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको कि यहाँ पर बेसिकली हम हैं यहाँ पर साहिबाबाद, है ना। तो आगे हमने जाना है यहाँ पर दुहाई। तो लेकिन अगर ये स्टार्ट होगी ना जब प्रॉपर तरीके से, तो ये जंगपुरा से लेकर आपको मोदीपुरम डिपो स्टेशन तक जाने वाली है। सो हमने स्टेयर्स भी यूज़ कर ली है और एक्सीलेटर भी यूज़ कर लिया है, तो अब हम यूज़ करने वाले हैं लिफ्ट। देखते हैं लिफ्ट का जो स्पेस है ना, वो भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है इन्होंने, बाकी अंदर जाके पता लगने वाला है कि लिफ्ट का स्पेस कैसा होने वाला है। तो ये आ गई है हमारी लिफ्ट, सो एंटर करते हैं। और बहुत लोग जो है ना, वो यहाँ पर स्पेशली घूमने के लिए आ रहे हैं, जैसे कि हम लोग आए हैं। तो बंद होने से पहले मैं बाहर निकल गई हूँ, और ये आ गए हैं हम प्लेटफॉर्म पे, जो कि काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा है। और सबसे अच्छी बात पता क्या है यहाँ की, कि ये पूरा कवर्ड है ऊपर तक, आप देखेंगे कहीं से कहीं पर भी ओपन नहीं है, बारिश में भी यहाँ पर आप भीगने नहीं वाले हैं, गीले नहीं होने वाले हैं। और ये है अच्छा खासा व्यू। और जहाँ हम चल रहे हैं ना, ये नॉर्मल कोच के लिए एंट्री है, लेकिन जो प्रीमियम कोच की एंट्री होने वाली है वो होने वाली है अलग, क्योंकि इसमें डबल एंट्री होती है प्रीमियम कोच की। एक बात और, जो DMRC मेट्रो ने हमें वुमेन कोच अलग दिया है, क्या यहाँ पे भी वो फैसिलिटी इन्होंने अवेलेबल कराई है। बाकी मैप यहाँ पे आपका बना हुआ है अच्छा खासा, कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं आप। और उन्होंने मेंशन कर दिया है कि आप हो कहाँ पर, आप हो यहाँ साहिबाबाद, यू आर हेयर। तो आपने कहाँ जाना है, कहाँ उतरना है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने वाली है।
बाकी इसकी जो मेन अट्रैक्टिव पॉइंट क्या है, रैपिड, बड़ी तेज जो स्पीड से चलती है। तो ये हम चल रहे हैं अभी नॉर्मल कोच में, और ऊपर टाइम दिखा रहा है 4 मिनट का आएगी 4 मिनट के अंदर। बाकी मुझे ओवरऑल व्यू बड़ा प्यारा लगा है, क्यों? क्योंकि ये पूरा कवर्ड है और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने डिज़ाइन करा है मेट्रो स्टेशन को, बहुत ही प्यारे तरीके से। और जिन्होंने अलग से प्रीमियम कोच दिया है ना, तो उसके लिए भी अलग फैसिलिटी होने वाली है, क्योंकि हमने उसके लिए पे करा है डबल, मतलब 100 रुपीज़ पे करे हैं हमने प्रीमियम कोच के। नॉर्मल कोच में अगर आपने सफ़र करना हो तो आप 50 रुपीज़ में कर सकते हैं वो। बाकी मैं आपको दोनों दिखाने वाली हूँ कि प्रीमियम कोच का अंदर से व्यू कैसा होने वाला है एंड नॉर्मल कोच का क्या होने वाला है और डिफरेंस क्या होने वाला है दोनों में। तो आइए चलते हैं प्रीमियम कोच की तरफ। मैंने आपको कहा था ना DMRC में भी जो फर्स्ट कोच है वो वुमेन कोच होने वाला है। यहाँ पे भी देखो मेंशन है केवल महिलाओं के लिए है वो वुमेन कोच। जो अच्छा देखा जाए तो वैसे ही सेकेंड कोच है, लेकिन नॉर्मल कोच वालों के लिए तो वो फर्स्ट कोच है, जो कि एज यूजुअल होता है। एक पूरा कोच आपको वुमेन के लिए ही मिलेगा यहाँ पर, जैसे आपको अदर मेट्रोज में मिलता है। बाकी वहाँ पर लिखी है एंट्री प्रीमियम लॉन्च वालों के लिए, तो करते हैं अपनी एंट्री जिसके लिए हमने डबल पे किया है। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ प्रीमियम कोच की एंट्री के बाद आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पर। तो ये रही मेरी टिकट, मैं दोबारा से इसको स्वैप करूँगी और यहाँ करूँगी एंट्री। तो हमने अब कर ली है प्रीमियम कोच में एंट्री, तो देखते हैं कि यहाँ पर हमने डबल पे करने का फ़ायदा क्या होने वाला है। तो फर्स्टली तो ये जो एरिया है, कैफे एरिया होता है ना, बस वैसा बना हुआ है यहाँ पे सिटिंग का अपना, यहाँ पे बैठो आराम से। यहाँ पे मैगजीन्स अवेलेबल है, आप पढ़ भी सकते हो यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर आपको फूड वाली वेंडिंग मशीन मिलने वाली है, जिसमें आपका मन करे, जिसमें चॉकलेट्स हैं, लेज वगैरह सब कुछ मिलने वाला है आपको, नमकीन, जो आपका मन करे आप यहाँ से वो कर ले सकते हैं वेंडिंग मशीन। और अगर आपकी अगर ट्रेन लेट है, अगर आपको टाइम है, तो आप आराम से बैठ के, सिटिंग एरिया बहुत अच्छा बना रखा है यहाँ पर, आप बैठ के अपना वेट कर सकते हैं। बाकी व्यू बहुत अच्छा है। सरप्राइज होने वाला है कि प्रीमियम कोच के अंदर जाके आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं, वो नॉर्मल कोच से अलग कैसे है, मैं ये भी बताने वाली हूँ और मैं पर्सनली देखने भी वाली हूँ। ये है प्रीमियम कोच और यहाँ पर हम करने वाले हैं एंट्री। यहाँ पे मेंशन भी है प्रीमियम, मतलब ये प्रीमियम पैसेंजर्स के लिए होने वाला है। और यहाँ से खुलने वाले दरवाजे, हरी बत्ती जलने पर बटन दबाएं। तो ये प्रेस करना था, तो ये प्रेस करने के बाद ओपन होता है। तो ये है हमारा प्रीमियम कोच, जो कि काफी अच्छा लग रहा है यार, एक मस्त वाली फीलिंग आ रही है अंदर आके, बढ़िया वाली जिसे कहते हैं। और सिटिंग वगैरह सब कुछ मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आपको फैसिलिटीज मिलने क्या क्या वाली हैं मैं आपको फर्स्टली आपको ये बता देती हूँ। अब मेरे को लग रहा है कि बैग में कहाँ रखूँ यार। देखो ऊपर भी जगह बनी हुई है अपना लगेज रखने के लिए, आप वहाँ पे भी रख सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिखाती हूँ, आ जाओ जल्दी आओ, यहाँ पर अपना लगेज भी रख सकते हैं, बैग भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम कोच है ये, तो मैंने अपना रख दिया यहाँ पे बैग सेफली। सेकेंडली ये जो गेट है ये उधर के लिए नॉर्मल कोच वालों के लिए, तो ये बीच में एक कोच अलग बना है, ये प्रीमियम कोच के बारे में बात कर रहे हैं हम। सिटिंग है यहाँ पर, आराम से बैठो। और मोबाइल लैपटॉप के लिए अलग चार्जर अवेलेबल है। और ये सीट का जो हैंडल है ना, ये भी ऊपर नीचे हो जाता है, ये एक्चुअली ना मेरे को लग रहा है ट्रेन वाली फीलिंग दे रहा है हमें प्रॉपरली। आपको ये सीटिंग बड़ी अच्छी मिलने वाली है। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये जो है ना यहाँ पर आपको सामान के लिए, ये देखिए अपना आराम से कुछ भी आप कुछ भी पेपर लाएं या कुछ भी लाएं, कुछ भी रख सकते हैं। ये आपका स्टैंड बना हुआ है बॉटल्स वगैरह के लिए। ये जो सीट्स है ना, ये भी एडजस्टेबल हैं। यहाँ पर ना एक वो बटन सा बना है, इसे हार्डली प्रेस करेंगे और पीछे से आएंगे तो आप कंफर्टेबली अपना सफ़र तय कर सकते हैं, जो स्पीड वाला होने वाला है। और बाकी चार्जिंग स्लॉट्स तो आपको हर सीट्स पे मिलने वाले हैं। एक और चीज़, अब आपको अंधेरा लग रहा होगा ना, इसे हम ऊपर भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कि हमें बाहर का व्यू देखना है। और अगर हमें बाहर का व्यू नहीं देखना, हमें थोड़ी सी नींद आ रही है, तो हम इसको नीचे भी कर सकते हैं, मतलब अप टू यू। ये प्रीमियम कोच के बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलने वाले हैं। बाकी स्पेस बहुत अच्छा मिलने वाला है आपको, और यहाँ पर आमने सामने भी बैठ सकते हैं, यहाँ पर इतना अच्छा स्पेस दिया गया है। लगेज के लिए इन्होंने अलग से ऊपर स्पेस दे दिया है, बहुत बढ़िया लग रहा है यार।
प्रीमियम कोच में प्रीमियम वाली फीलिंग तो आपको आती है। कृपया दरवाजों से दूर हटकर खड़े हो। डोर्स आर क्लोजिंग, प्लीज स्टैंड क्लियर ऑफ द डोर्स। सो ये जैसे मेट्रो में मेंशन किया जाता है वैसे ही उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि भैया डोर से हो जाओ, पीछे डोर्स होने वाले हैं बंद, तो ये बंद हो जाएंगे डोर्स। बाकी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी मेंशन कर रखा है प्रॉपरली कि कहाँ जाना है, तो डोर हो गए हमारे बंद। तो व्यू बहुत ही अच्छा होने वाला है, आप देख रहे हैं बहुत मज़ा आने वाला है, और स्पीड भी काफ़ी अच्छी चल रही है, मतलब बहुत तेज़ी चल रही है। 160 को 10 टच करके आई है, तो मतलब स्पीड अच्छी होने वाली है, मज़ा आने वाला है आपको प्रीमियम कोच में यार, बहुत रॉयल मज़ा आएगा, क्योंकि सीट्स भी बहुत कंफर्टेबल है, एडजस्टेबल है। और बाकी आपको यहाँ पर आजकल फ़ोन सब यूज़ करते हैं और उनकी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है बड़ी जल्दी, तो चार्जिंग स्लॉट अलग से दे रखा है। सो जब ये स्टेशन पे पहुँचेगी, सो यू हैव टू प्रेस दिस बटन, अगर आपको ग्रीन लाइट नज़र आती है तभी ये ओपन होने वाला है। यहाँ लिखा ना, टू ओपन द डोर प्रेस द बटन व्हेन ग्रीन लाइट ग्लोज, दरवाज़ा खोलने के लिए हरी बत्ती जलने पर बटन दबाएं। सो हम अब दबाने वाले हैं, मैं अब दबा के देखने वाली हूँ। ये देखिए यहाँ पे हर जगह दिखा हुआ है, ये प्रीमियम कोच में आप सफ़र कर रहे हैं। सो ये हम पहुँच चुके हैं गाज़ियाबाद, विद इन 2 मिनट्स हम पहुँच चुके हैं साहिबाबाद से गाज़ियाबाद। सो ये प्रेस करने वाले, मैं प्रेस कर दे, बाहर भी लोग खड़े हैं लेकिन उनसे पहले मैं करती हूँ प्रेस। सो ये प्रेस करने पर ही खुलने वाला है, और यहाँ पर 2 एंट्रेंस मिलेंगे यहाँ पर, और एक आगे फ्रंट की तरफ आपको मिलने वाला है। हमारा सफ़र ना कंप्लीट हो चुका है, मतलब वहाँ तक का प्रीमियम कोच का हमने जो लिया था, बाकी अब हम दिखाने वाले हैं कि नॉर्मल कोच में आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। और ये चीज़ मैं बताना भूल गई, अगर आप खड़े और आपके पास सीट नहीं है तो ये इन्होंने हैंडल दे रखा है, आराम से आप इसे पकड़ के खड़े हो सकते हैं, मतलब फैसिलिटी तो बहुत अच्छी दी है, और उन्होंने डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा किया, आप देखो बहुत दूर तक कितनी प्यारी लग रही है ट्रेन। बाकी जो नेक्स्ट स्टेशन है वो है दुहाई डिपो का, जो कि हमने वहाँ तक की टिकट ली है, और वहाँ तक ही अभी ट्रेन अवेलेबल है जो कि 17 किलोमीटर तक है। तो यहाँ पे मेरा बैगेज मैंने आपको बताया था रखा हुआ है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, आपको हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऊपर भी पुट कर सकते हैं जो ही रैक्स बने हुए हैं, मतलब मुझे आया है मज़ा प्रीमियम कोच का, तो मैंने मज़ा ले लिया है और स्पीड का भी मज़ा ले लिया है। बाकी अब लेने वाले हैं हम नॉर्मल कोच। सो यहाँ पर आपको जो पानी ड्रिंकिंग वाटर है वो इस तरीके से मिलने वाला है, मतलब ये जो बटन है ना यहाँ से आप प्रेस करेंगे तो आपको पानी मिलने वाला है, और आपको बॉटल फिल करनी है तो आपको यहाँ से प्रेस करना पड़ेगा। ये देखिए बॉटल भी आपकी फिल हो जाएगी, मज़ेदार है, मतलब प्रेस हेयर टू ड्रिंक द वाटर, मतलब फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है वाटर के। ओ अब आ गए हैं हम नॉर्मल कोच की तरफ, प्रीमियम कोच का सफ़र हमने कर लिया है, तो ये आ गई है हमारी रैपिड ट्रेन नमो भारत, और यहाँ पे भी देखते हैं कि वो बटन सिस्टम है वो ग्रीन वाला वो है या नहीं। सो लेट्स सी, सो ये अभी ओपन हो रहा है, ये अगर हम प्रेस करेंगे तो ओपन होने वाला है, सेम सिस्टम मिलने वाला है आपको नॉर्मल एंड प्रीमियम दोनों कोच में। सो ये हम आ गए हैं नॉर्मल कोच में, जिसकी सिटिंग भी काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पर बैगेज रखने का है वो है ऊपर, मतलब वो जो लास्ट में उन्होंने दिया था ना वो नहीं है, और यहाँ पर हर जगह चार्जिंग स्लॉट दे रखा है डाटा केबल वाला, यहाँ पर भी ये फैसिलिटी है नॉर्मल कोच में भी। और सिटिंग वाला देखना, हाँ ये एडजस्टेबल आई थिंक सो, ये नहीं है एडजस्टेबल सीट्स, हैंडल्स पर ऊपर नीचे आपके होने वाले हैं, और सिटिंग भी काफ़ी अच्छी है, और ये जो आप पकड़ने वाला हैंडल्स है ये भी हैं, ऊपर से भी आप ग्रैब कर सकते हैं अगर भीड़ ज़्यादा है। और यहाँ पर आपको ये बड़ा वाला मिलने वाला है, मतलब मज़ेदार होने, और यहाँ पे ना हर जगह लिखा है जो अपना बैगेज है ना आप ऊपर ही रखिए, जितना भी आपका लगेज है, कोच से दूसरे कोच में भी जा सकते हैं, लेकिन प्रीमियम कोच में आप प्रीमियम कोच में ही रहने वाले हैं, आप बाहर नहीं जा सकते वहाँ से, तो ये पूरी ट्रेन एंड तक आपकी है अगर नॉर्मल कोच है। यहाँ पर स्पेशली ना लोग घूमने के लिए आ रहे हैं इस ट्रेन में, नमो भारत ट्रेन, तो आइए बात करते हैं। हेलो जी, हेलो कैसे हैं आप? बड़े, तो आपका ये फर्स्ट सफर है, मतलब पहली बार आप सफर कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है?
सही है, दिल्ली के हिसाब से बहुत सही है। अच्छा, दिल्ली की मेट्रो के हिसाब से बहुत सही है। बहुत सही है, मतलब आपको, आपने दिल्ली की मेट्रो में भी सफर किया है। हाँ। तो क्या डिफरेंस लगा इसमें? और डिफरेंस इसमें बहुत है, क्वालिटी का है, उसके बाद साफ सफाई भी अभी तक तो बहुत अच्छी है। अभी तो नई नई चली है तो साफ सफाई तो होनी ही चाहिए। उसके बाद इसमें फैसिलिटीज भी हैं, चार्जिंग की फैसिलिटीज हैं और सीटें भी बिल्कुल सही हैं इसमें, कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल भी हैं और ज्यादा भी हैं, पब्लिक भी ज्यादा ट्रांसपोर्ट कर पाएगी, खड़े भी नहीं रहना। और अगर मैं एक्सपेंस की बात करूँ, टिकट की, पैसों की बात करूँ तो सही है जितना वो एक्सपेंस ले रहे हैं? टिकट सही है, टिकट सही है। कितना आपने पे किया, कहाँ से बैठे आप? दुहाई से साहिबाबाद तक के लिए 40 रुपए, 40 रुपए नॉर्मल कोच के लिए। हाँ, नॉर्मल कोच। और ये जो ऊपर ये लगेज के लिए बना है, ये भी काफी अलग है। हाँ, ये बहुत सही दे तो रहे। लेकिन ये जिम्मेदारी तो हम लोगों की बनती है ना, पब्लिक की, कि कोई गवर्नमेंट ने हमें कोई चीज प्रोवाइड कराई तो साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी तो पब्लिक की बनती है। वो तो अपनी है ही, बिल्कुल। डेली सफर करोगे तो अपनी हाइजीन का खुद ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि नया नया है। क्योंकि जब डेली मेट्रो स्टार्ट होती है वो भी ऐसी थी, बिल्कुल साफ सुथरी, बिल्कुल। ये तो हमारे हाथ में है कि हम कैसे उसे मैनेज कर रहे हैं। तो आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? मजा आ। तो हम सफर तय कर चुके हैं और आप आया है हमें बड़े, ये फोन रखा है किसी का? अरे ये फोन रखा है हमें, ये किसी का फोन रह गया है, मे बी ऑफ है ये तो। तो यार हमें किसी का फोन मिला है जो हम रिटर्न करेंगे। अब हमें रैपिड ट्रेन में फोन मिला है, आई थिंक सो, ये ना ऑफ है, ये ऑन भी नहीं हो रहा है। किसी का फोन रह गया है, रेडमी का फोन है ये देख लीजिए। तो अब हम रिटर्न करने वाले हैं, सिक्योरिटी को या फिर जो यहाँ पे आर्मी वाले होते हैं उनको हम दे देंगे, ताकि बेचारे जिसका फोन है उसे मिल जाए। बाकी मेरा सफर बहुत अच्छा रहा है और जिसका ये फोन है शायद वो रो रहा होगा, ढूंढ रहा होगा अपना फोन कि उसका फोन कहाँ गया। तो चलते हैं नीचे, ये हम रिटर्न करते हैं, जिसका भी है ये उसको मिल जाए, होप सो। तो हम एक्सेलेटर से जाएंगे नीचे। तो मेरा जो सफर रहा है ना रैपिड ट्रेन का, बहुत ही अच्छा रहा है। और मैं डिफरेंस अगर करूँ प्रीमियम और नॉर्मल कोच का, तो सेम था, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं लगा मुझे। और पैसे वेस्ट करने की ना ज़रूरत नहीं है, डबल पे करने की। मेरे हिसाब से आपको नॉर्मल कोच में सफ़र करना चाहिए, क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पर भी मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं ये फ़ोन रिटर्न, जिसका भी है ये। तो आइए पहले सबसे पहले रिटर्न कर लेते हैं इसको। तो आइए हम रिटर्न कर देते हैं सबसे पहले ना इसको। ये तो कंट्रोल रूम है, यहाँ तो मुझे नहीं लग रहा। एक्सक्यूज मी सर, ये ना फोन मिला है किसी का मेट्रो में, शायद खो गया है, उनका स्विच ऑफ है, मैं रिटर्न करना चाहिए, ये बताइए आप। यहाँ से? ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो उन्होंने तो मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे। तो यहाँ का जो कंट्रोल रूम है ना साहिबाबाद का, हम वहाँ पर दे देते हैं ये फोन, ताकि जिसका ये फोन है उसको मिल जाए। ये ना फोन रह गया किसी का, स्विच ऑफ है ये साहिबाबाद मेट्रो में ही। हम जैसे आ रहे थे ना सीट पे जहाँ बैठे वहाँ पे ऐसे रखा हुआ था ये। कौन से कोच में थे? साहिबाबाद वाले कोच में थे, बिजनेस कोच में थे। नहीं, तो ये आप देख लीजिए, रेडमी का फोन है। ओके, तो हमने रिटर्न कर दिया, हमें जो भी मिला था। तो आई होप वो सही बंदे तक पहुँच जाए जिसका ये फोन खोया है। बाकी ये सफर रहा है बहुत ही मजेदार मेरे लिए। तो अगर आप भी ये सफर करना चाहते हैं, रैपिड ट्रेन का सफर, नमो भारत ट्रेन का सफर, तो आपको भी आना पड़ेगा यहाँ पर। मेरे हिसाब से नॉर्मल कोच में सफर करके आप देख लीजिए, मजा आने वाला है। फैसिलिटी सारी अवेलेबल है। और यहाँ पर DMRC और यहाँ पर डिफरेंस क्या है इस ट्रेन का, ये इस ट्रेन का ये डिफरेंस है कि बिना बटन दबाए ना खुलता नहीं है गेट यहाँ पर। वो तो सारे गेट एक साथ खुल जाते हैं DMRC की मेट्रो, लेकिन ये इंडिया की पहली रैपिड ट्रेन है जो कि चलाई जा रही है और जिसकी स्पीड है 180 किलोमीटर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे कर दो, क्योंकि स्पेशली मैं आप लोगों के लिए बनाने आई हूँ इस वीडियो को, कि रैपिड ट्रेन का सफ़र एक्चुअली है क्या और वहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं, सब कुछ मैंने बता दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से कर दो, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना मत भूलना। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए स्वाति खन्ना व्लॉग विदाउट एनी स्पीक्स। बाय।